मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर, जिसकी आबादी लगभग 19 लाख है। इतनी बड़ी आबादी वाले शहर में रोजाना कचरा भी सैकड़ों टन की मात्रा में निकलता है। गीला, सूखा, कंस्ट्रक्शन, मंडियों और रेस्टोरेंट से निकलने वाला कचरा इतनी बड़ी मात्रा में होता है कि उसका समाधान करना अपने आप में एक चुनौती है। हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सारे कंपोनेंट्स पे काम किया। वैसे भी इंदौर डोर टू डोर कलेक्शन और सेग्रीगेशन में काफ़ी आगे था, लेकिन हम लोगों ने इसको मैनुअल मॉनिटरिंग से हटाकर हम लोग कलेक्शन और सेग्रीगेशन को एक तरीके से ऑटो पायलट मोड पे लेके गए। नए भारत का नया है सूरज, स्वच्छ है अपना ये। इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने लक्ष्य के अनुसार शहर के हर घर पर दस्तक दी और शहर के हर कोने से कचरा संग्रहित किया। इंदौर विकास के पथ पर अग्रसर है और जगह जगह बिल्डिंगों के निर्माण कार्य चल रहे हैं। इस कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट का संग्रहण करके इसे विशेष कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में लाया जाता है। इस सॉलिड वेस्ट को रिसाइकल करके ब्रिक्स यानी ईंटें बनाई जाती हैं। सॉलिड वेस्ट के रिसाइकल से बनी ईंटों को प्रशासन इंदौर शहर के सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों में प्रयोग में लाता है। नगर निगम कर्मचारी और मैकेनाइज्ड स्ट्रीट स्वीपिंग मशीन्स नियमित रूप से सुबह और शाम साफ करते हैं और लोगों की सुविधाओं के लिए जगह जगह गीले और सूखे कचरे के लिए विशेष नीली और हरी डस्टबिन लगाई गई हैं। नगर निगम की गाड़ियां सभी जगह से संग्रहित कचरे को ट्रांसफर स्टेशन लाती हैं। ये उच्च क्षमता वाला ट्रांसफर स्टेशन सेंट्रल कमांड सेंटर से जुड़ा है। यहाँ गीले और सूखे कचरे का रियल टाइम डेटाबेस कमांड सेंटर को भेजा जाता है। सूखे वेस्ट से निपटने के लिए आईएमसी ने सेंट्रलाइज्ड मटेरियल रिकवरी सेंटर बनाया और यहां एक अनोखे प्रयोग के तौर पर सूखे कचरे को समाप्त किया और शहर के कचरा बीनने वालों को रोजगार मुहैया कराया। प्लास्टिक कचरा, जो कि स्वच्छता में सबसे बड़ी बाधा है, उससे निपटने के लिए एक इनोवेटिव अप्रोच के तहत प्लास्टिक वेस्ट से निकले क्रूड ऑयल को ईंधन में बदलने वाला प्लांट लगाया गया। यहाँ 8 टन क्षमता वाला बॉयलर रोजाना प्लास्टिक से 3000 लीटर क्रूड ऑयल निकालता है और उसे अपग्रेड करके डीजल और पेट्रोल बनाया जाता है। अपने खानपान के लिए मशहूर इंदौर शहर की सबसे बड़ी सब्जी मार्केट चोइथराम मंडी से रोजाना 20 टन ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है, जिसे पहले लैंडफिल में डाल दिया जाता था। इस वेस्ट से निपटने के लिए यहाँ एशिया का सबसे बड़ा बायोमेथेनेशन प्लांट लगाया गया। ये प्लांट दिन भर बिना रुके कचरे को प्रोसेस कर बायोगैस निरामन का कार्य करता है। ये प्लांट ग्रीन एनर्जी की सबसे अच्छी मिसाल है। हाउसहोल्ड, मंडी, रेस्टोरेंट्स, बाजार और घरों और बाकी जगहों से आने वाले सेग्रीगेटेड कचरे को 15 टन क्षमता वाले सीएनजी प्लांट में लाया जाता है। यहाँ उच्च तकनीक से इसे प्रोसेस किया जाता है और सीएनजी गैस का निर्माण किया जाता है, जिसे शहर की सिटी बस में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जल संसाधनों का संवर्धन और उन्हें दूषित होने से बचाया जा रहा है। साथ ही शहर के तीनों जोन से आने वाले सीवेज और दूषित जल को अपने 285 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एसबीआर तकनीक से प्रोसेस करके साफ पानी प्राप्त किया जाता है, जिसे इंदौर नगर निगम पार्कों की सिंचाई और शहर की सफाई में इस्तेमाल करता है। इंदौर के सामने अगली बड़ी चुनौती थी 50 सालों से लगातार जमा 15 लाख मीट्रिक टन कचरा। इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कसी और बायो रेमेडिएशन एंड बायो माइनिंग प्रोसेस के तहत पूरे वेस्ट को ट्रीट किया और लगभग 100 एकड़ भूमि को रिक्लेम किया। अब आईएमसी इस जमीन पर सिटी फॉरेस्ट और गोल्फ कोर्स का निर्माण कर रहा है। आईएमसी ने इंदौर के सौंदर्यीकरण का कार्य बहुत बड़े स्तर पर किया। वॉल पेंटिंग्स की गई और चौराहों को सजाया गया। प्रशासन और जन भागीदारी से सच हुआ स्वच्छ इंदौर का सपना। स्वच्छ भारत ही समर्थ भारत है, स्वस्थ भारत है और समृद्ध भारत है। इसी सत्य का उत्सव मना रही हैं इंदौर शहर की उपलब्धियां।